हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नेहा के किचन में। हम लेकर आए हैं भरवा भिंडी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो आइए दोस्तों, हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिसके लिए हमने लिए 500 ग्राम भिंडी, तो दोस्तों हमें इसे इस प्रकार काट लेनी है। तो हमें सारी भिंडी इसी प्रकार काट लेनी है। तो दोस्तों, हमने ये सारी भिंडी काट ली है। अब हमें इसको बीच में से इस प्रकार काट लेना है। हमें बीच में से देखना है ताकि इसमें कोई कीड़ा ना हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी भिंडी बिल्कुल साफ है, इसमें कोई कीड़ा नहीं है। दोस्तों, आपको बीच में से जरूर अवश्य काटें ताकि। तो हमें इसी प्रकार सारी भिंडी चीर लेनी है। दोस्तों, हमें सारी इसी प्रकार चीर लेनी है। तो हमने से ये सारी भिंडी चीर ली है। अब हम इसके लिए सामान तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 2 मीडियम साइज की प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 4 हरी मिर्च। अब हमें इन्हें चॉप कर लेनी है। तो दोस्तों, ये हमने प्याज और लहसुन हरी मिर्च चॉप कर ली है। अब हम इसको फ्राई करते हैं, जिसके लिए हमने लिया ये पैन और जिसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो दोस्तों, अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें जीरा ऐड करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जीरा गर्म हो चुका है, हम इसमें पेस्ट डाल देंगे। दोस्तों, अब हमें फ्राई हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें धनिया ऐड करते हैं, हल्दी और मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो दोस्तों, ये हमारा 1 चम्मच बेसन है, जिसका हमने पेस्ट बना लिया है, जिसको हम इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों, ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे भिंडी में भरते हैं। तो अब हमारे मसाले ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें चाट मसाला